भारत की नई संसद की इमारत का काम लगभग पूरा हो चुका है और अब इसके उद्घाटन की बारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन को समर्पित करने वाले हैं इस पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नवनिर्मित संसद भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया। संसद की नई बिल्डिंग को रिकॉर्ड वक्त में बनाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। नए संसद भवन के लोकसभा कक्ष में 888 सदस्य और राज्यसभा कक्ष में 300 सदस्य बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की स्थिति में लोकसभा कक्ष में कुल 1280 सदस्य बैठ सकते हैं। संसद का मौजूदा भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ था और अब यह 96 साल पुराना हो चुका है। मौजूदा वक्त की जरूरत के लिए इसे अपर्याप्त पाया गया था। लोकसभा और राज्यसभा ने प्रस्ताव पारित कर सरकार से संसद के लिए एक नया भवन बनाने का आग्रह किया था।